हेलो गाइस, वेलकम इन मैक्सला। आज का अपना टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन। सबसे पहले समझते हैं कि फोर बार चेन क्या होती है। जब चार लिंक किसी बाइनरी पेयर बोल सकते हो, टर्निंग पेयर, टर्निंग जॉइंट या टर्निंग पेयर, बाइनरी जॉइंट, रिवोल्यूट पेयर, इनसे जुड़ी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? फोर बार चेन बोलेंगे। इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एक ग्रैशॉफ क्राइटेरिया होता है। ग्रैशॉफ क्राइटेरिया देखते हैं। ग्रैशॉफ क्राइटेरिया क्या कहता है कि यदि सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक एंड लॉन्गेस्ट लिंक इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स, ये लेंथ ऑफ अदर टू लिंक्स होगी। यदि ये ऐसा कुछ है तो जो हमारा जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, उसके अंदर एटलीस्ट वन एक क्रैंक रिवॉल्यूशन आएगा, एक क्रैंक की पोजीशन आएगी। अब क्रैंक क्या होती है? क्रैंक होती है, क्रैंक जो कंप्लीट रोटेशन दे, जो कंप्लीट रोटेशन देगा उसे क्या बोलेंगे हम? क्रैंक बोलेंगे। और जो ऑसिलेटरी मोशन करेगा ये क्या है? कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन हो, जिस लिंक का कंप्लीट रोटेशन हो वो क्या कहलाएगी? क्रैंक कहलाएगी। और जो ऑसिलेटरी मोशन करे उसे हम क्या बोलेंगे? रॉकर या लीवर बोलेंगे, रॉकर या लीवर बोल सकते हैं। और जो शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट साइड में जो लिंक है उसे हम क्या बोलेंगे? कपलर बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? कपलर बोलेंगे। जो मैकेनिज्म या जो फोर बार चेन, ऐसी फोर बार चेन जो कि ग्रैशॉफ क्राइटेरिया को फॉलो करे उसे हम बोलते हैं क्लास फर्स्ट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं उसे? क्लास फर्स्ट मैकेनिज्म। और जो लिंक, जो फोर बार चैन, सॉरी, जो फोर बार चैन इस ग्रैशॉफ क्राइटेरिया को फॉलो ना करे, दैट मीन्स क्या होगी उसकी कंडीशन? क्या होगी उसकी कंडीशन? मैं यहां लिख रहा हूं वो ग्रेटर देन। यदि ग्रेटर देन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लास सेकंड मैकेनिज्म, उसे बोलेंगे हम क्लास सेकंड मैकेनिज्म। अब जो क्लास सेकंड मैकेनिज्म है इसके अंदर हम जितने भी हम इन्वर्जन निकालेंगे उन सब का जो इन्वर्जन का जो मोशन होगा, जो जो हम इन्वर्जन निकालेंगे जो मैकेनिज्म मिलेगा वो हमें सारे के सारे क्या मिलेंगे? क्लास सेकंड में वो मिलेंगे डबल रोकर मैकेनिज्म। हमें क्या मिलेंगे? सारे के सारे डबल रोकर मैकेनिज्म। इसमें एक भी क्रैंक का कोई भी मैकेनिज्म नहीं मिलेगा। अब इन्वर्जन, अब बात आती है जब फोर हम पढ़ रहे हैं इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन, तो इन्वर्जन क्या होता है? तो इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमन आता है जिसके अंदर हम कोई भी एक समय, एक ही टाइम पे कोई एक लिंक फिक्स करते हैं, उसके बाद हम जो अलग अलग लिंक फिक्स करके अलग अलग मोशन, अलग अलग लिंक के मोशन देखते हैं, मैकेनिज्म निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। तो हम भी यहाँ देखेंगे कि फोर बार चेन में पहला मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करूंगा, उसके बाद लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करूंगा, उसके बाद जो अदर्स जो लिंक है शॉर्टेस्ट लिंक के पास वाला उनको फिक्स करूंगा। तो अलग अलग लिंक फिक्स करने पर कैसे कैसे मैकेनिज्म आते हैं वो अब इस वीडियो में हम देखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ग्रैशॉफ क्राइटेरिया था उसके अंदर क्या था? एस प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू। सबसे पहले मैं यहाँ कंसिडर लेकर कंडीशन ये लेकर चल रहा हूँ कि एस प्लस एल है, एस क्या है? शॉर्टेस्ट लिंक लेंथ है, लॉन्गेस्ट लिंक लेंथ एल, पी और क्यू अदर जो टू लिंक्स हैं उनकी रिस्पेक्टिवली लेंथ है उनकी। और अब
यहाँ मैं क्राइटेरिया क्या लेके चल रहा हूँ कि वो एस प्लस एल लेस देन इक्वल लेस देन ओनली लेस देन पी प्लस क्यू। अब जब मैं ये रखता हूँ तो अब मैं क्या करूँगा, शॉर्टेस्ट लिंक को पहले फिक्स करूँगा, फिर उसके शॉर्टेस्ट लिंक के पास वाले लिंक को फिक्स करूँगा और फिर उसके सामने वाले लिंक को फिक्स करूँगा। तो अब मैं सबसे पहला इसके अंदर लिखता हूँ शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स, शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स। अब शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स कर दिया तो इसका कुछ क्या होगा, देखो ये मैं मान रहा हूं कि अपना ये जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसको मैंने क्या कर दिया, इसकी लेंथ एस हो गई एल पी। अब मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब जब ये फिक्स है तो पी क्या करेगा, पी कंप्लीट रोटेशन देने की रोटेशन करने की तैयारी करेगा, ये कंप्लीट रोटेशन होगा इसका। तो और साइमल्टेनियसली जो क्यू है वो भी क्या करेगा, एक पूरा रोटेशन करने की कोशिश करेगा। जब इनके रोटेशन हो जाएंगे तो जो एल लेंथ है, जो एल, ये भी क्या करेगा, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा अपना। तो जो P और Q है वो क्या कर रहे हैं, किसी एक जॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं, जबकि ये जो L है वो पूरे इसके अबाउट घूमेगा। तो ये दोनों क्या कराएंगे, कहलाएंगे क्रैंक। तो इस मैकेनिज्म में हमें क्या मिला, दो क्रैंक मैकेनिज्म मिले, क्या मिले, दो क्रैंक मैकेनिज्म मिले। तो इसे हम इस, जब शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स हो और दूसरी कंडीशन क्या है, एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू, तो हमें कौन सा मैकेनिज्म मिलेगा, उसका नाम है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे उसे हम, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इसका दूसरा भी नाम है डबल क्रैंक मैकेनिज्म का, उसे हम बोलते हैं क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है ये क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म। नाम और है हमारे पास, वो क्या नाम है इसके, इसे हम इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रोटरी रोटरी कन्वर्टर भी बोलते हैं हम, रोटरी रोटरी कन्वर्टर भी बोलते हैं, ड्रैग क्रैंक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो चार नाम है इसके, जब हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं और एस प्लस एल पी प्लस लेस देन पी प्लस क्यू, तो हमें चार जो डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है। डबल क्रैंक मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म, ड्रैग क्रैंक मैकेनिज्म और रोटरी रोटरी कन्वर्टर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन वही है एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू। अब मैं क्या फिक्स कर रहा हूँ, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक, शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स, उसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसको फिक्स करने से क्या होगा, यहां आपकी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, दिस इज शॉर्टेस्ट लिंक, ये P, Q, L, L, Q, शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट दो लिंक है P और Q। पहला मैं P को फिक्स करता हूँ, P को फिक्स करने से क्या होगा, जो ये शॉर्टेस्ट लिंक है वो क्या करेगा, एक कंप्लीट रोटेशन देने की, कंप्लीट रोटेशन देगा। तो ये क्या हुआ, एक क्रैंक की तरह बिहेव करेगा, और जो L है शॉर्टेस्ट लिंक के जो अपोजिट साइड का लिंक है वो क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। क्या कौन सा मोशन करेगा, ये L ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो यहाँ क्या मिला, एक क्रैंक मिली और एक रॉकर मैकेनिज्म मिला। और अब मैं यहाँ उल्टी तरफ देखता हूँ क्यू पे, तो यहाँ पर भी सेम केस होगा, जो S है शॉर्टेस्ट लिंक वो क्या करेगा, वो शॉर्टेस्ट लिंक क्या करेगा, एक पूरा रिवॉल्यूशन देगा। तो मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट लिंक बिहेव्स लाइक अ क्रैंक, शॉर्टेस्ट लिंक क्या होगी यहाँ पे, क्रैंक, और जो L है वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन। तो
जब मैं एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स करता हूँ तो जो मेरे पास एक तो आएगा क्रैंक और दूसरा आएगा ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ मेरे को जो मोशन मिलेगा, मैकेनिज्म मिलेगा, उसे हम मैं क्या बोलूँगा, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। दूसरा नाम क्या बोल सकता हूँ, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। तो दो नाम से मैं जान सकता हूँ उस चीज को। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जो अपोजिट लिंक है, शॉर्टेस्ट लिंक के सामने वाले लिंक को क्या कर देता हूँ, मैं फिक्स कर देता हूँ। उससे जो मेरे पास जो पी का मोशन होगा, जब पी क्या करेगा, ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन करेगा, और जो क्यू है वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पी और क्यू वो क्या करेंगे, लीवर या रॉकर की तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा मोशन, उसका नाम है मैकेनिज्म, जो मेरे पास आएगा उसे मैं बोलूँगा डबल लीवर, या बोल सकता हूँ डबल रॉकर मैकेनिज्म। डबल रॉकर मैकेनिज्म। अब जो ग्रेसॉफ्स लॉ की, ग्रेसॉफ की जो कंडीशन थी, उसका सेकंड कंडीशन क्या थी, एस प्लस एल इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब जब ये कंडीशन तभी फॉलो हो सकती है जब कोई दो लिंक, टू लिंक्स हैविंग सेम लेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो अपने पास ये कंडीशन हो सकती है कि जो शॉर्टेस्ट शॉर्ट जो भी दो लिंक होंगे, ठीक है, तो उसके क्या होगी, जो जिसके लिंक की लेंथ सेम होगी वो पास पास में होंगे। तो ये एस और एस, ये दोनों की लिंक सेम है, एल और एल दोनों की लिंक की सेम है, तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा मैं क्या देख सकता हूँ, इसको अरेंजमेंट कैसे हो सकता है मेरा, ये लिंक एल है और ये एल एस एस, तो यहाँ दो कंडीशन मिल रही है मेरे को। क्या मिल रही है यहाँ पे कि एक तो कंडीशन ये है कि दो जिसकी लेंथ सेम है वो क्या एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टॉइड, डेल्टॉइड लिंक बोलेंगे, डेल्टॉइड मैकेनिज्म मिलेगा मेरे को यहाँ पे। और यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, तो पैरेललोग्राम मैकेनिज्म, पैरेललोग्राम मैकेनिज्म यहाँ पे मिलेगा। अब जो इसके अंदर होगा क्या, तो ये तो नाम दे दिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो इस पैरेललोग्राम मैकेनिज्म को देखता हूँ। पैरेललोग्राम मैकेनिज्म क्या होगा कि मैं लॉन्गेस्ट लिंक को क्या कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया। जब मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, जो दो क्रैंक मैकेनिज्म आएंगे, एस और ये जो एस है, दोनों जो शॉर्टेस्ट लिंक होंगे वो क्या करेंगे, बिहेव लाइक अ क्रैंक। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा जब मैं पैरेललोग्राम लिंक को यूज करूंगा। जो ये लिंक जो ये यूज होता है वो किस में होता है, लोकोमोटिव ट्रेन्स में, इसके अंदर यूज होता है, जैसे लोकोमोटिव मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब अभी यहाँ हमने क्या किया था, लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स किया था। अब मैं यदि शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करता हूँ तो अभी मेरे को क्या मिलेंगे यहाँ पे, शॉर्टेस्ट लिंक, कोई भी एक शॉर्टेस्ट लिंक को मैंने फिक्स कर दिया तो अभी मेरे को यहाँ पे क्या मिलेंगे, दो क्रैंक मैकेनिज्म मिलेंगे लॉन्गेस्ट लिंक। अब जो दो दो लॉन्गेस्ट लिंक होंगी वो क्या कराएगी, मेरे क्रैंक बिहेव करेगी। तो पैरेललोग्राम मैकेनिज्म में क्या होगा, हमेशा मेरे को क्या मिलेगी, डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। डेल्टॉइड मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टेस्ट लिंक को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब मैं शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करूंगा
तो मेरे पास डेल्टॉइड मैकेनिज्म में जो एडजेसेंट जो शॉर्टेस्ट लिंक होगी वो, और इसके दूसरी तरफ एडजेसेंट वो कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट लिंक होगी। ये दोनों क्या करेंगे मेरे यहाँ पे क्रैंक की तरह बिहेव करेंगे, दे विल हैव अ कंप्लीट रोटेशन। ये बाहर से जाएगा वैसे। अब जब ये शॉर्टेस्ट लिंक जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, जब ये शॉर्टेस्ट लिंक एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो जो लॉन्गेस्ट लिंक है उसका हाफ रिवॉल्यूशन ही होगा, हाफ रिवॉल्यूशन ही होएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका यदि मैं ओमेगा एस लिखता हूं और इसका मैं लिखता हूं ओमेगा एल, तो जो ओमेगा एल है वो क्या होगा हाफ इंटू ओमेगा एस, मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, इसकी आधी होगी। अब मैं क्या करता हूं यहां पे लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करता हूं। मैंने क्या किया यहां पे, अब लॉन्गेस्ट लिंक को मैं फिक्स कर रहा हूं। जब मैंने लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दिया है तो मेरे पास क्या होगा, जो ये एस है शॉर्टेस्ट लिंक, जो ये सॉरी ये वाला है शॉर्टेस्ट लिंक, ये क्या करेगा एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, मतलब जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो क्या करेगा क्रैंक की तरह बिहेवियर करेगा, और जो ये लॉन्गेस्ट लिंक है वो क्या करेगा ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो डेल्टॉइड मैकेनिज्म में यदि मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक क्रैंक, तो मेरे एक क्रैंक और एक ऑसिलेटरी मोशन मतलब रोकर, तो क्रैंक लीवर या क्रैंक रोकर मैकेनिज्म मेरे पास आएगा, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। इसके अंदर एक दूसरी कंडीशन और आती है कि लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर रहा हूं मैं, लेकिन इस बार जो मैकेनिज्म आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। वो कैसे आएगा, और ये ऐसे, अब जो ये लिंक है एस वो क्या करेगा, इसके अंदर एक कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि जो लॉन्गेस्ट लिंक है वो भी क्या करेगा क्रैंक कर सकता है, क्रैंक रोटेशन दे सकता है, लॉन्गेस्ट लिंक वो भी क्रैंक की तरह बिहेव कर सकता है, और जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो क्या कर सकता है लीवर की तरह कार्य कर सकता है। तो इसके अंदर एस, जब मैं डेल्टॉइड लिंक की बात करूं और लॉन्गेस्ट लिंक फिक्स है, मेरे को टू क्रैंक लीवर मैकेनिज्म मिलेंगे, कितने मिलेंगे मेरे को टू क्रैंक लीवर मैकेनिज्म मिलेंगे। अब इसको हम पूरा ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमें यदि डबल क्रैंक लीवर डबल क्रैंक मैकेनिज्म चाहिए तो हमें, और हमारे पास दो कंडीशन है एस प्लस एल इक्वल टू पी प्लस क्यू और एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू। तो यदि हम डेल्टॉइड और उसकी बात करें पैरेललोग्राम मैकेनिज्म की, तो पैरेललोग्राम मैकेनिज्म में यदि मैं एस फिक्स करूं या एल फिक्स करूं तो हमेशा मेरे को क्या मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा, और डेल्टॉइड मैकेनिज्म की बात करूं डी स्टैंड्स फॉर डेल्टॉइड, तो एस शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स करूं तो मेरे को क्या मिलेगा हमेशा डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा, और जो फोर बार चेन है जो ओरिजिनली एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू में, तो मैं शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स करूं तो मेरे को क्या मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलेगा। अब मैं बात करता हूं क्रैंक लीवर मैकेनिज्म की, तो क्रैंक लीवर मैकेनिज्म पैरेललोग्राम मैकेनिज्म में कभी भी पॉसिबल नहीं है, और डेल्टॉइड लिंक में यदि मैं एल फिक्स करूं कोई भी एल एक फिक्स कर दूं तो मेरे को हमेशा उसके अंदर क्या मिलेगा क्रैंक लीवर मैकेनिज्म ही मिलेगा, और हमारी कंडीशन यदि एस प्लस एल लेस देन पी प्लस क्यू है तो उसके अंदर क्या होगा हमारा जो एस के जो पास वाला लिंक है चाहे वो पी हो और क्यू हो उसे हम फिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्रैंक लीवर मैकेनिज्म मिलेगा। अब बात करता हूँ डबल रॉकर मैकेनिज्म की, तो ना तो
पेंडोग्राम मैकेनिज्म में ऐसे पॉसिबल है, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिले नहीं, डेल्टा डेल्टोइड में पॉसिबल है। तो एक कंडीशन आपको बताई थी कि जो सेकंड क्लास क्लास सेकंड मैकेनिज्म होते हैं वो हमेशा क्या होता है, डबल लीवर या डबल रॉकर मैकेनिज्म होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एस प्लस एल लेस ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। तो उस कंडीशन में हमेशा ही हमारे क्या मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। और लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू है तो उसके अंदर हम केस में क्या करेंगे, एस के जो सामने वाला लिंक है उसे रिम फिक्स कर दें तो हमारे क्या मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन्वर्जन इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे।